गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी आर हियर विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, हाउ वी कम्युनिकेट, यानी हम किस तरह से बातें करते हैं, क्या क्या हमको ध्यान में रखना होता है। लेट्स बिगिन द चैप्टर देन। रीमा एंड हर फैमिली हैड गॉन टू रामेश्वरम, द टेंपल टाउन ऑफ तमिलनाडु। रीमा और उसकी फैमिली कहाँ गए? रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में एक प्लेस है जहाँ पर बहुत फेमस टेम्पल है, वहाँ। They could not speak Tamil, the local language of that place. They had to use signs at the shop, in the bus stand, and in the temple to communicate. वो वहाँ का local language Tamil नहीं जानते थे बोलना, इसलिए they are using the signs. इशारों से बात कर रहे थे bus stop में, मंदिर में और जहाँ भी जा रहे थे shops वगैरह में। They did not have much problem as they were able to express themselves through the gestures. उनको बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अपने गेस्चर से, यानी भाव से, आप इशारों से वो बात कर पा रहे थे, समझा पा रहे थे। टॉकिंग विदाउट स्पीकिंग, यानी हम किस तरह से बिना बोले भी बात कर सकते, अपना मैसेज दूसरों को कैसे पैसा पहुंचा सकते। देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट स्पीक, ऑफन पीपल हु कैन नॉट स्पीक कैन नॉट हियर आल्सो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, और हमेशा मोस्टली ऐसा होता है कि जो बोल नहीं पाता वो सुन भी नहीं पाता है। दे कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग थ्रू द साइन लैंग्वेज, तो ऐसे लोग अपना जो भी सोच रहे हैं, उनके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी बातचीत है, जो भी थॉट है, वो साइन लैंग्वेज से यूज करके समझाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्वे समथिंग थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड फिंगर्स, इसे इशारों में, फिंगर्स से ऐसा 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 ऐसा। आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आता है ना, बधिरों के लिए, यानी जो बोल नहीं पाते उनके लिए न्यूज़, तो वो यूज करते इस तरह का साइन लैंग्वेज। ये टीचर बच्चों से कर रही है, ओके। डांसर्स, और डांसर्स भी यूज करते हैं लैंग्वेज, वो अपने चेहरे से बताते हैं एक्सप्रेशंस। सो डांसर यूज फेशियल एक्सप्रेशन, जिनको भाव बोला जाता है, एंड द हेड मूवमेंट, जिनको मुद्रा बोला जाता है, टू टेल द स्टोरी। दे कैन टेल द होल स्टोरी विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, ओके। हैव यू सीन अ कथकली डांसर? कथकली में जो होता है वो इसी भाव भंगिमाओं से ही डांस किया जाता है। द डांसर यूज facial expression to convey his or her feeling, okay? Means of communication, yani baat karne ke sadhan. We also communicate by sending and receiving message. Long ago, if you had to send a letter to your friend living in another city, you would have to take the help of pigeon or horse rider. Ab bahut bahut samay pehle, jab abhi modern means of communication nahi the, tab agar ek jagah se जगह हमको कोई मैसेज पहुंचाना है, तो हम या तो पिजन्स का सहारा लेते थे, कबूतरों का, या फिर हॉर्स राइडर, यानी जो हॉर्स में ले जाता था, हॉर्स में बैठ के जो राइड करता था पर्सन, वो हमारा मैसेज दूसरी जगह ले जाता था, ओके। इन पास्ट पीपल आल्सो सेंड मैसेज यूजिंग ड्रम, फ्लैशलाइट्स, और इवन स्मोक सिग्नल्स, इनसे भी भेजा जाता था, ड्रम बजाकर, स्मोक सिग्नल भेज के, या फ्लैशलाइट चमकाकर। पोस्टल कम्युनिकेशन, सबसे चीपेस्ट कम्युनिकेशन जो है वो है पोस्टल कम्युनिकेशन, यानी लेटर्स भेजना। द चीपेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु लिव इन द डिफरेंट विलेजेस, टाउन सिटीज इन द कंट्री इज थ्रू अ लेटर। वी कैन यूज पोस्टकार्ड, हम पोस्टकार्ड भी यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो यूज इनलैंड लेटर्स टू सेंड मैसेजेस। टू सेंड अ लेटर टू समवन हु लिव आउटसाइड द इंडिया, वी कैन यूज एरोग्राम और एयरमेल, ठीक है। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और कोरियर। We can send short and urgent messages by telegram. It reaches in few hours. Parcels, money order, ये भी सब पोस्ट से भेजा जाता है, ओके। डांसर्स यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखिए कथकली और ये भरतनाट्यम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना वेश थ्रू भाव और मुद्रा। जर्नी ऑफ लेटर, अब लेटर कैसे चालू हुआ उसका जर्नी हम पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑफन वंडर हाउ लेटर्स दैट वी रीड राइट रीचेस टू द ऑथर। वी राइट अ लेटर, हम प्लेन पेपर पे लेटर लिखते हैं, उसमें स्टैम्प एनवेलप में रख के स्टैम्प लगावाया जाता है। नेक्स्ट अब एनवेलप में एड्रेस लिखा जाता है कि किसको भेजना है एड्रेस, कहाँ पर भेजना है लेटर। पिन कोड लिखना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उस जगह का एड्रेस होता है, पिन कोड, ठीक है। इन द कंट्री देर आर सिक्स डिजिट इन पिन कोड।
स्वाद होता है। होप यू हैव सीन चिल्ड्रन। और ये जो है ये इस तरह से आपके घर में आप अपना लेटर लिखते हो, पोस्ट कार्ड पे उस पर स्टैंप लगा होता है, एड्रेस लिखा जाता है, यहाँ पर पिन लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर ये यहाँ पे लिखा जाता है, फिर उसको पोस्ट लेटर बॉक्स में डालेंगे, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, वहाँ पर लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है कौन कौन से एरिए के, कौन कौन से पिन के, फिर उसको वेल लेके जाती है मेल, फिर उसको घरों में पहुँचाया जाता है जहाँ की जो मेल होती है। ओके, सो डिफरेंट डेस्टिनेशन में पहुँचाया जाता है। वंस दे रीच टू द सिटी और अ टाउन have any